the media houses and media people here, धड़क ऑल फिल्म कामगार यूनियन की तरफ से आप सबको मैं निमंत्रित किया, आप सब आए। उसके लिए मैं पहली बात तो आपको सबको बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ आवर्स यू ऑल पीपल हैव कम हियर। अ वेरी सेंसिटिव इशू विच इज़ बर्निंग फॉर लास्ट 3 डेज। हमारी यूनियन इस विषय पर क्या बोलना चाहती है वो हमारी कोऑर्डिनेटर मनीषा जी आपको पढ़ के सुनाएगी, उसके बाद आई विल स्टार्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑन 19 सितंबर 2023 गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑन 19 सितंबर 2023 ट्यूसडे आवर डिसीज्ड मेंबर महेंद्र यादव हैज सस्टेंड एम्प्लॉयमेंट इंजरी इलेक्ट्रिक शॉक when he was working as light man at Film City, where the shooting of TV serial Imli was going on by the production house Four Lions Film Private Limited, director Gul Khan, Karishma Jain and Asif Khan. The said workman was around 25 years only. He was earning rupees 1400 per day by the way of daily wages. In ordinary course, he would have survived at least up to the age of 65 years. Taking into consideration his daily earning and lifespan, the remaining years of his life, we have requested the employer and the principal employer to give use compensation to the nearest relatives of the deceased Mahendra Yadav. We are ready to discuss this issue with both employer and the principal employer, the production house director, producer or any other authorized representative, so that we can come to some amicable solution. We are ready to cooperate, but our humbleness shall not be considered as our weakness. We are committed to give justice to our deceased member Mahendra Yadav and his nearest relative. Thank you. Hindi. Four Lions Film Private Limited, production house or director Gul Khan, Karishma Jain, Asif Khan, इनके द्वारा इमली सीरियल की शूटिंग फिल्म सिटी में चल रही है। वहाँ पर मंगलवार दिनांक 19 सितंबर 2023 को हमारे सभासद महेंद्र यादव जी लाइटमैन के रूप में कार्यरत थे और उनका इलेक्ट्रिक शॉक लगकर मृत्यु हो गई। वे लगभग 25 वर्ष के थे। वे दैनिक मजदूरी करके 1400 रुपये तक कमा लेते थे। अगर वे जीवित रहते तो लगभग 65 ईयर तक वो जी सकते थे। उनकी दैनिक कमाई, उनका जीवन काल और बाकी सभी विषयों पर विचार करके हमने मालक, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, निर्देशक, निर्माता सभी से विनती की है कि जो मृत महेंद्र यादव हमारे सभासद हैं उनके रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे सकें। हम इस समस्या पर मालक, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, निर्देशक सभी के साथ चर्चा करने के लिए, सौहार्दपूर्ण रूप से डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, पर हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी न माना जाए। हमारे सभासद महेंद्र यादव और उनके नज़दीक के रिश्तेदारों को न्याय देने के लिए हम कटिबद्ध हैं। ऑन 19 सितंबर 2023 को 19 तारीख सितंबर को 4 से 4:30 बजे के बीच में सेट पर यह इंसिडेंट होता है, जहां पर हमारा मेंबर महेंद्र यादव, उसे इंजरी होती है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर उसको डेथ घोषित किया जाता है। उसके बाद यूनियन की तरफ से रिस्पेक्टिव जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सब कार्रवाइयाँ यूनियन की तरफ से हो रही है। उस बीच हमने प्रोडक्शन हाउस को अप्रोच किया था। प्रोडक्शन हाउस निश्चित तौर पर इधर हमारे साथ में आ जाए और प्रोडक्शन हाउस बहुत पॉजिटिव है इस विषय को लेकर। यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस के प्रोजेक्ट हेड शिवम दीक्षित जी यहाँ पर खुद आए हुए हैं और सभी जो कमर्शियल हेड है, ये इमली जो सीरियल है ये बेसिकली फोर लायंस फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये सीरियल की शूटिंग फिल्म सिटी में होती है। और मुझे ये बताना चाहूँगा मैं कि ये महेंद्र यादव की जो लास्ट रिचुअल्स थी, इसलिए वो पूरी फैमिली उनके नेटिव प्लेस गई हुई है। वो संडे को शाम को या मंडे को मॉर्निंग में द फैमिली इज़ कमिंग टू मुंबई और उसके बाद हम यूनियन की तरफ से
एक जॉइंट मीटिंग वो फैमिली के साथ में करने वाले हैं और मैनेजमेंट इज़ वेरी पॉजिटिव टू कॉम्पेंसेट देयर, उसका जो बेसिक जो लीगल ड्यूज़ है वो मैनेजमेंट देने के लिए तैयार है। दे आर वेरी पॉजिटिव और मैनेजमेंट खुद सामने से दे हैव अप्रोच्ड अस, तो मैनेजमेंट के प्रोडक्शन हेड और कमर्शियल हेड दोनों भी यहाँ पर है, वो भी अपना कहना रखेंगे। निश्चित तौर पर बहुत से अलग अलग छोटी छोटी यूनियंस, नॉन परफॉर्मिंग नॉन रिकग्नाइज्ड यूनियंस इसमें उनकी बेसलेस डिमांड्स है। हम यहाँ ये जो मेंबर है वो एक्चुअली धड़क ऑल फिल्म कामगार यूनियन का मेंबर है, हम अधिकृत उनके यूनियन रिप्रेजेंटेटिव है और ये तौर पर हमने नेसेसरी स्टेप्स लिए हुए हैं। मैनेजमेंट ने अपना व्यू बहुत पॉजिटिव रखा हुआ है, मुझे लगता है निश्चित तौर पर हम उस वर्कर के फैमिली को जस्टिस देंगे और वर्कर को भी जस्टिस देंगे। आई वुड आस्क फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड मिस्टर शिवम टू स्पीक सम वर्ड। जो भी हमारी तरफ से बेस्ट होगा, वी आर इन टॉक्स विद अभिजीत जी, तो जो हमारी तरफ से बेस्ट होगा हम करने के लिए तैयार हैं। Mr. Sebi, you will speak something? नहीं, हमने तो निश्चित तौर पर हमारी जो डिमांड है कि हमने 50 लाख रुपया डिमांड की हुई है और उस पर जो भी है वो निश्चित तौर पर हमारी डिमांड तो यही है और ये यूनियन की तरफ से डिमांड है। अभी वो विक्टिम की तरफ से, विक्टिम के फैमिली की तरफ से जो डिमांड है वो हम अक्रॉस द टेबल, यूनियन विल ऑलवेज स्टैंड विद द मेंबर और जो मेंबर बोलेगा वही हम करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि हम हमारे मेंबर को जस्टिस देने में निश्चित तौर पर 100% सक्सेसफुल रहेंगे। सर, हर मतलब ये जो है कुछ इंश्योरेंस भी रहता है, क्या लगता है? निश्चित तौर पर इनके प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ऑलरेडी ग्रुप इंश्योरेंस है उनका। कितना? ग्रुप इंश्योरेंस का क्या फिगर्स है? वो एक बार ऑफिशियली 5 लाख का जो अभी हमें जानकारी है, अभी मंडे को ऑफिस खुलेगा तो हम प्रोसेस चालू है, मैक्स क्या हो सकता है? अभी तो उन्होंने इमीडिएटली दे हैव अप्रोच्ड मी दैट दे आर रेडी टू टॉक, दे रेडी टू निगोशिएट ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो दे आर व्यू इज़ वेरी पॉजिटिव और निश्चित तौर पर प्रोडक्शन हाउस हैज कमिटेड दैट दे विल ऑनर देयर कमिटमेंट्स। सर, इससे पहले भी देवदास के सेट पर आपको पता हुआ 3-4 हादसे हुए थे, तो क्या करना चाहिए? सेफ्टी मेजर्स ये बहुत बड़ा विषय है और निश्चित तौर पर सिस्टम शुड टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट द मैनेजमेंट रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़। और मैं चाहूँगा कि सरकार ने, यस यू कैन गो, निश्चित तौर पर सरकार को हम बोलेंगे कि आप इसके ऊपर नेसेसरी स्टेप्स लेंगे। हम सांस्कृतिक मिनिस्टर जो है सन्मान्य सुधीर मनगट्टीवार, जो इस विभाग के प्रमुख है, उनको हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की है। मैं सोमवार को उनको भी खुद मिलने वाला हूँ, बापू जी वो भी उनसे हम मिलने वाले हैं, उनको भी हमने ये दिया हुआ है रिक्वेस्ट कि ये सभी विषयों के ऊपर, सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक या ऐसे जो सेफ्टी मेजर्स है, जैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करते वक्त दे शुड हैव गमबूट, दे शुड वेयर ग्लोव्स, जो सेफ्टी मेजर्स है उस सेफ्टी मेजर्स का मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स के हिसाब से वो प्रोविजंस होने चाहिए, वो मेंटेन नहीं किए जा रहे हैं। सिक्योरिटीज़ होंगे, एक्टर्स का प्रोटेक्शन का सवाल है, समझो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फिल्म सिटी, तो रात को जब शिफ्ट ख़त्म हो जाती है तो रोड्स में बहुत घना अंधेरा होता है, तो जो हमारे जो जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस, हमारे जो फिल्म सेट पर काम करने वाले जो लोग हैं, वो देर रात जब जाते हैं, निकलते हैं, तो बहुत से इंसिडेंट्स, उनको इनसिक्योरिटी लगती है रात के टाइम पे। ऐसे बहुत से विषय है, वो सभी विषयों को लेकर हम, आई डोंट वांट टू डाइवर्ट और डाइल्यूट दी इशू जिसके लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मेरी स्पेसिफिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए थी कि बहुत से लोग बहुत से रूमर्स कर रहे हैं, वी आर विथ टॉक्स विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज वेरी पॉजिटिव, स्टार ग्रुप से भी मेरी बात हो रही है क्योंकि ये सीरियल स्टार चैनल्स के ऊपर आती है, तो उनके साथ में भी मेरी बात चल रही है। प्रोडक्शन हाउस जो फोर लायन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जो चैनल है, ये जो कंपनी है, उनके साथ में भी मेरी बात चल रही है और मुझे विश्वास है कि मैं, हमारी पूरी टीम, हमारी यूनियन निश्चित तौर पर ये
वर्ग, ये जो विक्टिम है इसको जस्टिस देने में हम कामयाब होंगे। थैंक यू। निश्चित तौर पर हादसा हुआ है, ये शॉक है, ये हार्ट अटैक है, वो परसेप्शन है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगलवार या बुधवार को आएगा। कंसर्न पुलिस स्टेशन उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसमें जो आयो है वो मिस्टर पांचाल है, उनसे मेरी बात हुई है। वी आर वेटिंग फॉर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड देन ओनली वी कैन कम डाउन टू द कंक्लूजन दैट एक्चुअली शॉक लगा है या इट इज़ अ हार्ट फेलियर। फैमिली की तरफ से ये मांग भी आई है कि उनके कोई एक रिलेटिव को काम पे रखा जाए। निश्चित तौर पर वो हम निश्चित तौर पर उस बच्चे को उसके फैमिली को किधर ना किधर हम रीइंस्टेट करके देंगे। ये यूनियन की जो जवाबदारी है वो हम फुलफिल करेंगे। बहुत से पीआर एजेंसीज़ ने ये न्यूज़ दबाने की कोशिश की है, बट हम ये न्यूज़ दबने नहीं देंगी। हमारी जो हमारा आवाज़ है, ये गरीबों का आवाज़ है, मजदूरों का आवाज़ है, वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे। सर आखिरी सवाल, इसकी जो गाइडलाइन है आपकी तरफ से कब तक जारी हो जाएगी गाइडलाइन? क्योंकि बहुत सारी नहीं, निश्चित तौर मैं महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को मैं इस मौके पर उनको मांग करता हूँ कि इसमें जल्दी से जल्दी सेफ्टी मेजर्स एक कमिटी अपॉइंट कर ये सभी चीज़ों का, बहुत से मुद्दे हैं, ये सभी मुद्दों पर एक कमिटी फॉर्म करके इसके ऊपर एक गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करें। और कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। हम फिर मंगलवार को जब हमारी मैनेजमेंट के साथ में, विक्टिम के फैमिली के साथ में जब भी मीटिंग होगी, तब आप लोगों को फिर बुलाकर उस पर हम क्या हुआ है, व्हाट रिजल्ट यूनियन हैज गिवन, वी विल डिलीवर टू यू। थैंक यू।